दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ इंडिया में कुछ ही देर पहले लॉन्च हुए अकाई फायर टीवी एडिशन की सारी जानकारी, और हमेशा की तरह ये सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब पर सबसे पहले सिर्फ हमारे चैनल क्विक ज्ञान पर ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों ऐसे ही सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज अकाई कंपनी ने अपना पहला फायर टीवी ओएस पर बेस्ड स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि सिर्फ अमेज़न पर ही बेचा जाएगा। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि अकाई एक जापानीज कंपनी है एंड इट इज ओन्ड बाय ग्रैंड होल्डिंग्स कंपनी, जो कि अगेन एक जापान बेस्ड कंपनी है। और अकाई के अप्लायंसेस हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं और ये काफी अच्छी सर्विस डिलीवर करते हैं। और अगर हम बात करें आज ही लॉन्च्ड 43 इंच स्क्रीन साइज वाले टीवी के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, तो ये एक फुल एचडी रिजोल्यूशन वाला टीवी है जिसमें आपको एक 8 बिट एफआरसी ए प्लस ग्रेड वीए डिलेट पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा, अलोंग विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड अराउंड 300 निट्स ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 20 वॉट साउंड आउटपुट वाले डाउन फायरिंग स्पीकर्स का सपोर्ट मिलेगा, अलोंग विद डॉल्बी ऑडियो एंड डीटीएस टू सराउंड फॉर ऑडियो एनहांसमेंट। साथ ही दोस्तों आपको इनबिल्ट फायर स्टिक सपोर्ट मिलेगा अलोंग विद सम प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस लाइक प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड यूट्यूब। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एप्पल टीवी ऐप का डिफॉल्ट सपोर्ट मिलने वाला है, तो आप एप्पल ओरिजिनल कंटेंट भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, पर ऑफ कोर्स आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 1GB रैम एंड 8GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपके यूसेज के लिए अराउंड 4.5GB फ्री स्पेस मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको सारे स्टैंडर्ड पोर्ट्स का सपोर्ट मिलता है अलॉन्ग विद सिंगल बैंड वाईफाई। और दोस्तों अकाई कंपनी ने ये भी अपडेट किया है कि वो जल्द ही अपने 50 इंच और 55 इंच स्क्रीन साइज वाले 4K अल्ट्रा एचडी रिजोल्यूशन का सपोर्ट करने वाले वेरिएंट्स इंडिया में लॉन्च करने वाला है। लेकिन दोस्तों अगेन बात वहीं पर आके रुक जाती है कि इन टीवीज का प्राइस क्या है और क्यों है। तो ये अकाई फायर टीवी एडिशन 43 इंच वेरिएंट आपको मिलेगा 24,000 रुपीज में, जो कि मुझे इस टीवी की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको इतने दाम में तो एक 4K अल्ट्रा एचडी रिजोल्यूशन वाला टीवी भी मिल सकता है, तो फिर आप ये टीवी क्यों लेंगे। और वैसे भी अभी तक फायर टीवी ओएस को इंडियन कस्टमर्स ने उतना ज्यादा पसंद नहीं किया है जितना कि वो एंड्रॉइड टीवी ओएस को करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टीवीज ओवर प्राइस तो है ही, लेकिन यहाँ पर इस टीवी की स्पेसिफिकेशंस भी इस प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं दी गई है, तो मैं आपको ये टीवी परचेज करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी तो पैसा आपका है, तो फैसला भी आपका ही होगा। और दोस्तों अभी तक यानी कि जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक ये टीवीज की डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही अकाई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस टीवीज की कोई भी डिटेल्स आती है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।